हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपके लिए हिमाचल की फेमस रेसिपी सिड्डू बनाने जा रही हूँ, जो दो तरह से बनते हैं, नमकीन भी बनते हैं और मीठे भी बनते हैं। और मैं ये नमकीन बनाने जा रही हूँ जी। हमने जब मनाली में एक महीना रहे थे, शिमला में भी खाए थे, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जे मैं उड़द की दाल को इसलिए पीस रही हूँ, आप चाहे तो मिक्सी ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा दरदरा रखना है और इस तरह हमने इसमें पीस लेना है इनको। दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है, अभी हम इसको स्पून से कटोरी में निकाल लेते हैं। और जी देखिए, दाल हमारी अच्छे से पिस चुकी है, अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। और इसके लिए हम हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन की 2-3 कलियाँ लेकर इसको भी हमने पीस लेना है। थोड़ा सा इनको हमने पीस कर इसमें हमने धनिया पत्ता डालना है। धनिया पत्ते को हमने इसमें काट कर डाल लेते हैं। इस तरह से हमने धनिया पत्ते को काट कर डाल लेना है और इसको भी अच्छे से पीस लेना है। अदरक लहसुन और धनिया पत्ता अच्छे से पीस चुके हैं, अभी हम उड़द की दाल को डालेंगे और उसमें जो पीसे हुए अदरक लहसुन और धनिया पत्ता है उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। उड़द की दाल की फिलिंग अभी रेडी है सिड्डू बनाने के लिए। अभी मैंने जो आटा गूंद लिया था और उसमें जीस्ट डालकर गूंदा था 4-5 घंटे के लिए। और ये देखिए, अच्छे से आटा हमारा तैयार है। अभी हम एक पेड़ा लेंगे, उसको थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। ये जो सिड्डू बनाते हैं जे, इसके लिए आटा अलग से होता है। आप चाहे तो आटे के भी बना सकते हैं, मैदे में थोड़ा सा आटा मिक्स करके भी इसको बना सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से हमने एक स्पून से इसकी फिलिंग बना लेनी है, जिस तरह हम परौंठे में भरते हैं उस तरह से बनाना है। और एक पेड़ा बना लेना है, अच्छे से गोल गोल कर कर इसको अच्छे से हमने बना लेना है। और ये देखिए, एक सिड्डू हमारा अभी तैयार है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और इसी तरह हमने 3-4 सिड्डू बना लेने हैं। ये जो सिड्डू है हिमाचल में ही बनाए जाते हैं, ये ठंडे इलाके में बनाए जाते हैं, सर्दियों में खूब खाए जाते हैं। ये क्लिप मेरे पास पहले की पड़ी थी और ये इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। और ये मीठे भी होते हैं, अखरोट डालकर, खसखस डालकर भी आप इसको बना सकते हैं। और ये ज़्यादा घी के साथ खाए जाते हैं। और ये देखिए, इस तरह से हमने सारे सिड्डू तैयार कर लेने हैं। और ये देखिए, आटे के सिड्डू अभी तैयार हैं, हमें इसको अभी स्टीम करेंगे। इसको हमने गैस के ऊपर स्टीमर रख दिया था पानी गर्म होने के लिए, उसको हमने रख दिया है। अभी पानी गर्म हो चुका है, अभी हम छन्नी के ऊपर घी या तेल लगा लेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से इसको घी लगा लेना है। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी हम छन्नी को ऊपर रख देते हैं। और ये देखिए, छन्नी भी अच्छे से गर्म हो चुकी है, अभी हम एक एक करके सिड्डू इसमें रखते जाएँगे। और ये छन्नी छोटी थी, इसके लिए मैंने इसमें 3 ही सिड्डू रखे हैं। और इसको हमने 20 से 25 मिनट तक इनको स्टीम करना है। और स्टीम अच्छे से हो जाएगा तो फिर हम ढक्कन उठाकर देख लेंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अभी हम ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। वो देखिए, सिड्डू हमारे अभी तैयार हैं सर्व करने के लिए। इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सिड्डू को हमने प्लेट में निकाल लिया है, अभी हम इनको सर्व करने के लिए रेडी करते हैं। और ये देखिए, कितने अच्छे से सिक चुके हैं, दोनों ऊपर नीचे से चारों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। अभी हम इसको एक सिड्डू को आपको काट कर बताते हैं कि अच्छे से अंदर से सिके हैं कि नहीं। इस तरह हमने नाइफ से इनको सेंटर से कट लगा लेना है। और ये देखिए, अंदर से अच्छे से सिड्डू सिक चुके हैं, पक चुके हैं।
ये सिड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और ये सर्दियों में ही खाए जाते हैं। आप चाहे तो गर्मी में भी बनाकर खा सकते हैं और ये चटनी के साथ और घी के साथ खाए जाते हैं। और ये मैंने दही वाली चटनी भी बनाई थी और बहुत ही टेस्टी बने थे। आप भी ये बनाइएगा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।